Hello guys, welcome back to our channel. तो चलिए last video में तो हमने देख लिया thermal power plant का क्या काम होता है, उसको कैसे process किया जाता है, उसमें क्या-क्या pollution होता है, उस pollution को कैसे control किया जाता है, वो सारा चीज़ तो हमने देख लिया thermal power plant से related. अब चलिए इससे थोड़ा हट के अब अलग जाते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे condenser. Condenser में जो स्टीम है, स्टीम को पानी में कन्वर्ट किया जाता है, आज वही चीज़ को हम लोग देखेंगे. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. स्टीम कंडेंसर, ठीक है. स्टीम कंडेंसर का मतलब स्टीम को कंडेंसेट करके पानी में कन्वर्ट करने वाला. तो इसमें बेसिकली जो टरबाइन होता है ना, टरबाइन में यहाँ पर स्टीम को पास करते हैं और जो टरबाइन पास होने के बाद टरबाइन से फिर आगे पानी को जब टरबाइन से रिटर्न होता है तो उसको कंडेंसर में लेकर जाते हैं. कंडेंसर में ले जाने के बाद यहाँ पर जो स्टीम है वो पानी में कन्वर्ट होता है. यहाँ से स्टीम आता है, स्टीम तो गर्म होता है और यहाँ से ठंडा पानी को पास करते हैं तो दोनों में हीट एक्सचेंज होता है. तो जो स्टीम है वो पानी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर इसको री प्रोसेस के लिए आगे भेजते हैं दोबारा उसी प्रोसेस के लिए. फिर उसको बॉयलर में भेजते हैं, बॉयलर में जाने के बाद फिर वो गर्म होता है, फिर स्टीम कन्वर्ट होता है, फिर आगे जाता है स्टीम टरबाइन में आता है. तो वही प्रोसेस को इसमें बताने जा रहे हैं, ठीक है. इसका बेसिक प्रोसेस डायग्राम बता रहे हैं. इसका स्टीम कंडेंसर का जो एलिमेंट है वो चीज़ आज बताने जा रहे हैं. एलिमेंट एलिमेंट का मतलब क्या क्या पार्ट इस कंडेंसर में है वो चीज़ आज बताने जा रहे हैं, ठीक है. कैसे इसे प्रोसेस होता है, क्या काम होता है, उस चीज़ को आज बताएंगे इसमें स्टीम कंडेंसर में, ठीक है. तो चलिए इसका भी ड्राइंग बना लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं. We'll be right back.
चलिए हमारा ड्राइंग बनके तैयार हो गया है, वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए हॉट वेल है एक, पहले स्टीम टरबाइन देखिए, स्टीम टरबाइन ये है, टरबाइन है ये वाला कंडेंसर है, ठीक है। और यहाँ से ये कंडेंसर है, ये टरबाइन है, ये हॉट वेल है, यहाँ पर कंडेंसर पंप है, कंडेंसर से जो पानी खींचता है तो वहाँ एक मोटर लगाया हुआ है, उसका कंडेंसर से खींचता है, इसलिए कंडेंसर पंप है। और जो ग्राउंड लेवल से पानी उठाता है वो फीड पंप है, ठीक है। तो और एक देखिए कूलिंग पॉन्ड है, यानी कि जहाँ से कूलिंग कूल करने के लिए कंडेंसर में जो स्टीम को पानी में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ से पानी में ले जाते हैं, एक कूलिंग पॉन्ड है, पॉन्ड से वो पानी कंडेंसर में ले जाते हैं, फिर यहाँ से फिर कंडेंसर से फिर रिटर्न पानी यहाँ पर कूलिंग टावर में जाता है। तो यहाँ से कूलिंग पॉन्ड में एक मोटर लगाया हुआ है, इसलिए कूलिंग वाटर पंप है। और यहाँ पर कूलिंग पॉन्ड में अगर पानी किसी वजह से घट जाता है तो उसको मेकअप करने के लिए यहाँ मेकअप वाटर पंप लगाया हुआ है, ठीक है। मेकअप करने के घट जाता है, उसको मेकअप करने के लिए फुलफिल करने के लिए दोबारा यह मेकअप पंप का यूज किया जाता है, इसलिए मेकअप वाटर पंप है, ठीक। और एक कूलिंग टावर है, ये यहाँ से जो भी मतलब यहाँ से ठंडा पानी जाता है और कंडेंसर से गर्म होकर यहाँ रिटर्न आता है, उससे जो गर्म गैस निकलता है उसको बाहर निकालने के लिए ये कूलिंग टावर लगाया गया, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्या बोल सकते हैं इसे। तो देखिए जब इसमें प्रोसेस शुरू होता है स्टीम का बॉयलर से रिटर्न आने के बाद, जब स्टीम बॉयलर से निकल के टरबाइन में आता है तब इसका प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ से स्टीम बॉयलर से आता है, स्टीम फ्रॉम बॉयलर से स्टीम आता है टरबाइन में, टरबाइन में आने के बाद वो फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो कंडेंसर में जाता है। तो टरबाइन में तो जमा होकर रह नहीं सकता है, जब टरबाइन रोटेट होता है उसके बाद स्टीम आगे फ्लो करता है, तो आगे फ्लो करने के बाद वो कंडेंसर में जाता है। तो कंडेंसर का काम है कि जो भी स्टीम है, जो भी भाप है, उसको फिर दोबारा पानी में कन्वर्ट करना। जबकि मान लीजिए स्टीम गर्म है, स्टीम अगर भाप गर्म है उसको अगर हम ठंडा कर देते हैं तो पानी में बदल जाता है। तो वही काम है इसका कंडेंसर का कि जो भाप है उसको पानी में कन्वर्ट करना। तो पानी में कैसे कन्वर्ट करेगा, उसके पास भी तो ठंडा करने के लिए कोई चीज़ चाहिए ना, जो ठंडा करने के लिए वाटर चाहिए वो यहाँ से कूलिंग टावर से सप्लाई किया जाता है। ठंडा पानी जाता है कंडेंसर में, और कंडेंसर में ठंडा पानी यहाँ जाता है, उधर से स्टीम आता है, गर्म स्टीम आता है। तो दोनों मान लीजिए एक यहाँ से इसमें आ रहा है गर्म पानी, मान लीजिए हॉट स्टीम है इसमें, मान लीजिए भाप है, और एक पंप है इसमें ठंडा पानी है कोल्ड वाटर, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के जैसे नजदीक आएगा तो दोनों में हीट एक्सचेंज होगा, जैसे जिसमें ज्यादा हीट है वो कम के तरफ जाएगा, और जो कम तो जो ज्यादा हीट है उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली घट जाएगा, क्योंकि वो जिसका टेम्परेचर कम है उसके तरफ जाएगा। तो इसमें हीट ट्रांसफर होगा, तो इसमें जो स्टीम गर्म था, भाप था, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो ठंडा पानी था वो हल्का गर्म हो जाएगा। तो जो हल्का गर्म होगा पानी, उस चीज़ को ठंडा करने के लिए फिर से उसको कूलिंग टावर में ले जाता है, ठीक है। तो कूलिंग टावर में ले जाने के बाद जो कूलिंग टावर में तो कूलिंग पॉन्ड है, वहाँ पर ठंडा पानी से भरा हुआ है, तो यहाँ से जो पानी जाएगा वो कूलिंग पॉन्ड में जाएगा, और जो पॉन्ड में जाएगा तो गर्म पानी जाता है, जिसमें गर्म गैस तो थोड़ा बहुत निकलेगा, जो गर्म गैस निकलेगा उस चीज़ को निकलने के लिए हॉट ये चिमनी से कूलिंग टावर बनाया गया है। जिसमें टावर में यहाँ से ऊपर से जो गर्म गैस रहता है वो निकलता है। और मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ का कूलिंग पॉन्ड का पानी घट जाता है, किसी तरह से लीकेज हुआ या कुछ हुआ, तो यहाँ ज़्यादा पानी गर्म हुआ तो भाप बन के उड़ के निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर पानी कम हो जाता है किसी कारणवश, उसको इसीलिए उसको मेकअप करने के लिए, फुलफिल करने के लिए पंप लगाया गया है, वहाँ से पानी इसमें फिर कूलिंग पॉन्ड में भरते हैं। कूलिंग मेकअप वाटर पंप इसलिए इसका नाम है, मेकअप करने के लिए उस पंप पर रखा गया, इसलिए मेकअप वाटर पंप है। तो इसमें बेसिकली स्टीम कंडेंसर का काम इसे बताया गया है कि इसमें जो स्टीम कंडेंसर है किस तरह से भाप को पानी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर मान लीजिए ये कंडेंसर है, कंडेंसर में इधर से भाप आ रहा है और इधर से पानी जा रहा है, ठीक है। दोनों यहाँ से आएगा, यहाँ से क्रॉस करेगा, दोनों में पाइप लगा हुआ है, दोनों
क्रॉस करेगा मान लो यहाँ से, तो जैसे एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएगा तो दोनों में हीट एक्सचेंज होगा, जो ठंडा है वो तो गर्म गर्म जो हीट है उसको ऑब्जर्व करेगा, जो गर्म है वो तो ठंडा की तरफ जाएगा। तो जैसे गर्म जो भाप है वो गर्म अपना हीट छोड़ेगा ठंडा को देगा, तो ऑटोमेटिकली जो भाप है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठंडा होगा तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पानी ठंडा है वो हल्का गर्म हो जाएगा, तो जो गर्म वाटर है उसको फिर वहाँ कूलिंग टावर ठंडा किया जाता है। इसका प्रोसेस स्टीम कंडेंसर का यही है। तो अगर वीडियो ये समझ में नहीं आया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, आप व्हाट्सएप में जाइए, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, उसके बाद हमें पर्सनली ग्रुप में मैसेज कीजिए, इससे और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें समझ में नहीं आया होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स सब तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। समटाइम्स 2 मार्क्स में पूछता है, समटाइम्स 3 मार्क्स में, कभी 5 मार्क्स में पूछ देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो लिंक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप ज्वाइन कीजिए और पर्सनली मैसेज कीजिए, आपको आपको ग्रुप में पर्सनली एक्सप्लेन करेंगे आपको, ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। तो चलिए वीडियो में यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह का नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके, और हमें कमेंट करके सजेस्ट करते रहिए कि हमें किस तरह का वीडियो बनाना है, ठीक है, इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।